स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। आई एम राहुल राजपूत योर मैथ टीचर। एंड डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन्स। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं। बिफोर वन मंथ से हमने कंटिन्यू मेजरमेंट पे डिस्कस किया था और मेजरमेंट में हमने बहुत ही अच्छी पकड़ बना लिया था। अब हमने क्या करना है, अब हमें न्यू चैप्टर है जो पेरीमीटर एंड एरिया, उस पर हमें डिस्कस करना है और इसमें हमें बिफोर चैप्टर की तरह ही अच्छी पकड़ बनानी है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे पॉलीगॉन्स क्या है। बार बार ये नाम आपके सामने आ गया, पॉलीगॉन है क्या। पॉलीगॉन को हिंदी में हम कहते हैं बहुभुज, जिसमें कई भुजा होती हैं उसी को हम बहुभुज कहते हैं। जिस फिगर में कई भुजा हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे, और बहुभुज को ही हम पॉलीगॉन कहते हैं। मींस जिस फिगर में बहुत सारे साइड हो, बहुत सारे कॉर्नर हो, बहुत सारे साइड हो, मतलब वर्टेक्स, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। अब आइए इस पॉलीगॉन का हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हमें किसी भी पॉलीगॉन शेप का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है उसका फॉर्मूला जानना। सपोज दैट ये हमारा एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए ये हमारा फिगर है, चलिए इस फिगर को और अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा फिगर, ओके, ये हमारा फिगर का शेप है और इसका हमें पॉलीगॉन निकालना है। तो सभी फिगर में जो वैल्यू दिए गए हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, क्लियर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 9 सेंटीमीटर है, और ये टोटल जो सबसे ज्यादा दिए गए हैं ये हमारा 17 सेंटीमीटर है, और एक लास्ट पोर्शन बचा है जिसको भी हम 9 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी हमारा सेंटीमीटर है, क्लियर, ये हमारा फिगर है। अब हम इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये इसमें ये हमारा देखिए 1 कॉर्नर 2 3 एंड 4, इसमें 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर है, तो दैट बहुत आसान है, ये पॉलीगॉन शेप में है। पॉलीगॉन शेप में अगर सारे पार्ट का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने बोर्ड पे ऑलरेडी आपको लिख लिया है पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन, चाहे वो कैसा भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो कोई भी शेप में पॉलीगॉन हो, अगर उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, माइंड दिस, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। क्या करेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के जितने भी साइड हैं उन साइड को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। अब हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर, ये हमारा ए है। अब हम फिगर ए का भी क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। यू नो पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड या सम ऑफ द ऑल साइड। पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, क्लियर है, क्या किया हमने, पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मींस ये एंड दिस, ये हमें चारों साइड में क्या करना है, ऐड कर लेना है। आइए देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। अब सभी नंबर जो दिए गए हैं, फर्स्ट साइड 6 सेंटीमीटर एंड प्लस
9 सेंटीमीटर एंड प्लस वंस अगेन 9 सेंटीमीटर एंड लास्ट दैट इज 17 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, हमने यहां पे क्या किया है, जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, जितने भी पॉलीगॉन्स में शेप दिए गए हैं, उन सभी पार्ट्स का हम क्या किए हैं, ऐड कर लिए हैं। जितने भी साइड्स दिए गए हैं और साइड का जो वैल्यू दिया गया है उसे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ डियर स्टूडेंट, आई एम रिपीट वंस अगेन, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉलीगॉन शेप का पेरीमीटर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कभी भी किसी भी पॉलीगॉन शेप का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होगा, पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। इज इट क्लियर? ये जो अंडरलाइन किए हैं, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर को हमें बड़े ध्यान से देखना है और इस फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है। ये साइड हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये साइड हमारा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये भी हमारा साइड दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और ये साइड हमारा दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। हमने उस जो फार्मूला है उसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, सम ऑफ द ऑल साइड, साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4। फोर साइड्स दिए गए हैं और सभी वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। पहला हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए, अब सम ऑफ द ऑल साइड, अब सबको जोड़ देना है, 6 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर एंड प्लस 17 सेंटीमीटर। अब सबको हम ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड करते हैं, 17 सेंटीमीटर एंड प्लस 9 सेंटीमीटर एंड प्लस 9 सेंटीमीटर एंड प्लस 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो क्या करेंगे, 9 9 9 18, ओके 18 एंड 6, क्या करेंगे, 18 6 24 एंड 24 7 31, 1 हो जाएगा एंड 3 कैरी 3 एंड 1 4। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा 41 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, इस पॉलीगॉन का पेरीमीटर है। क्या है हमारा आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, 41 सेंटीमीटर इस फिगर का जो पॉलीगॉन शेप में है उसका हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया है। क्या किया है, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। क्या है हमारे सामने, हमारा टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन शेप का हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी किसी भी पॉलीगॉन शेप का अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो हम सभी साइड को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जो भी हमारा साइड दिया गया है पॉलीगॉन में, जैसे साइड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया गया है और सभी वैल्यू को हम एक साथ ऐड करेंगे। जैसे हमारा फिगर ए दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, फाइंड आउट करना है। तो दिया है फर्स्ट पर 6 सेंटीमीटर, सेकंड है 9 सेंटीमीटर, थर्ड है 9 सेंटीमीटर एंड लास्ट दैट इज फोर्थ 17 सेंटीमीटर। अब हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। माइंड दिस, पेरीमीटर ऑफ द ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड। ऑल साइड जो दिया गया है 1 2 3 4, इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, मींस 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड प्लस 9 सेंटीमीटर एंड लास्ट इज 70 सेंटीमीटर। हमने सीक्वेंस में राइट कर लिया और उसको ऐड कर लिया, हमारा आंसर आ गया 41 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। और इसी तरीके से हम किसी भी
पॉलीगॉन शेप का, चाहे कितने भी डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगॉन शेप हो, उसका हमें अगर पेरीमीटर निकालना है तो हम इसी तरीके से बिल्कुल कम समय में फार्मूले को ड्रॉ करके, स्टेटमेंट को ड्रॉ करके परफेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप खुद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है जिसमें पॉलीगॉन शेप में पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो आप इसी फार्मूले को ड्रॉ करके आसानी से निकाल सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको अलग से पेरीमीटर डिफरेंस टाइप्स के फार्मूले के साथ हम लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।